पाकिस्तान से अगर आपको इटली या स्पेन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, चाहे आपके पास लाइक किसी भी कैटेगरी का वीज़ा आप अप्लाई करने जा रही हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तानी जितनी भी एम्बेसीज हैं वो बहुत ही लाइक कम अपॉइंटमेंट इशू कर रही हैं। वीकली कह लें या मंथली कह लें, इन्होंने एक लाइक लिमिट लगाई है कि इससे ज़्यादा अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेंगी। एक बात अपने जहन में रखिए, दूसरी बात ये अपने जहन में रखिए कि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो अपना लेटर है वो इशू होने के बाद भी वो लेटर कैंसिल कर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा होता है, बहुत से दोस्तों के साथ हुआ भी है कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उन्होंने एजेंट को पैसे दे दिए, बाद में जब एम्बेसी में गए तो वो लेटर कैंसिल था। तो इसीलिए तमाम चीज़ों को ज़रा अच्छी तरह से रीड करें, पहले कन्फर्म करें अपॉइंटमेंट क्लियर हो, उसके बाद पेमेंट करें। किसी भी बंदे को लाइक बग़ैर वेरीफाई किए आप जो है वो पैसे ना दें। लेटर इशू होते ही एम्बेसी में जाए, कागजात जमा करवाए, इंटरव्यू होगा, टोकन मिलेगा, उसके बाद आप पैसे दीजिएगा, पहले पैसे मत दीजिए। चाहे आप स्पेन की फैमिली वीज़ा की, स्पॉन्सर वीज़ा की अपॉइंटमेंट BSL के ज़रिए ले रहे हैं, या फिर ओपनली एम्बेसी से ले रहे हैं, या फिर इटालियन एम्बेसी की लाइक डायरेक्ट नोलाउस्ता वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस वक्त ज़्यादा जो चांस हैं वो यही हैं कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से आपको इटली की किसी भी कैटेगरी के वीज़े की अपॉइंटमेंट चाहिए, स्पेन की, ग्रीस की, पोलैंड की, यूनान की, किसी भी शेंजन स्टेट की अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फाइल आपकी जमा होगी, इंटरव्यू फिंगर वगैरह होंगे, और आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी से आप तक पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर। तो अगर कोई भी दोस्त अप्लाई करना चाहता है अपॉइंटमेंट नोलाउस्ता इटली वर्क परमिट की, या फिर किसी भी और शेंजन स्टेट की अपॉइंटमेंट अप्लाई करना चाहता है, तो नीचे इंस्टाग्राम के आईडीज़ के लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। बहुत से दोस्त इंस्टाग्राम पे लाइक मैसेज वगैरह करते हैं, तो आपको बता दूं कि आप पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद मैसेज कीजिए, ताकि आपका जो मैसेज है वो मेरी नज़रों के सामने रहे, ऊपर रहे, क्योंकि डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा लाइक तादाद में मैसेज आए होते हैं, जिस वजह से आपका मैसेज रीड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया, तमाम दोस्तों से इल्तजा करूंगा कि इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।